मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी क्लास 10 सबसे हिंदी। जैसा कि कल हमने तुलसीदास जी का जो अपना फर्स्ट चैप्टर था तुलसीदास जी के विनय के पर, वो मैंने आप लोगों को बताया था। तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताया था, वो इसलिए बताया था कि अपने बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड क्लास है अपनी 10th क्लास, तो उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं वो जीवन परिचय में से भी आ जाते हैं या पाठ में से भी आते हैं। इसलिए मैंने पहले तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो विस्तृत से बताया था, उसको आप अच्छे से याद जरूर करना, ठीक है। और पाठ में जब हम चैप्टर्स लिखेंगे उसमें जीवन परिचय तुलसीदास जी का, स्टार्टिंग में पहले जीवन परिचय लिखेंगे, देन शब्दार्थ लिखेंगे, फिर व्याख्या आएगी, फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे। इस तरह से आपको फेयर कॉपी अपनी बनानी है। तो कल हमने अपना फर्स्ट पद उसकी व्याख्या बताई थी, उसका फिर मैं आप लोगों को लिखकर व्याख्या आप लोगों को भेज दूंगी, तो आप लोग फेयर कॉपी करना। आज हम अपना सेकंड जो पद है इस पाठ का उसकी व्याख्या बताती। अब अपना जो दूसरा पद है तुलसीदास जी का, उसमें अब तक जो उन्होंने ईश्वर की भक्ति नहीं की है और जब उन्हें ईश्वर की भक्ति प्राप्त हुई तब उसका वर्णन इस वाले पद में किया है। अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, परवस जाने हस्यो इन इंद्रिन, निज बस है न हसे हो, मन मधुकर पनकर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। इस पद में तुलसीदास जी ने अपने बारे में बताया, या फिर उनका मतलब उन्होंने ये सोचा अब तक का उन्होंने ईश्वर की भक्ति नहीं करी और जब उन्हें ईश्वर की भक्ति का ज्ञान हुआ उसके बाद उन्होंने अपने इस पद में लिखा है। अब लो नसानी अब न नसीहो, यानी अब तक का जो हमेरा समय था, जो ईश्वर भक्ति के बिना जो समय था वो नष्ट हो चुका है, लेकिन जब मुझे ईश्वर भक्ति का ज्ञान हो गया है तब मैं अब इस समय को नष्ट नहीं होने दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, यानी कि ईश्वर श्री राम की कृपा के बिना, निशा यानी जो रात्रि है, निशा सिरानी यानी जो रात्रि बीत चुकी है, राम श्री राम की कृपा के बिना जो रात्रि थी वो बीत चुकी है, जाके पुनि न डसे हो, लेकिन दोबारा से मैं उस रात्रि को आने नहीं दूंगा। अब मेरे अंदर श्री राम की भक्ति की लौ जल चुकी है और मैंने श्री राम की भक्ति को पा लिया है। पायो नाम चारु चिंतामणि, चारु चिंतामणि श्री राम के लिए कहा गया, जो सभी चिंताओं से मुक्त करने वाली मणि के समान है। इसमें श्री राम की भक्ति को कहा गया है कि सारी चिंताओं से मुक्त करने वाले जो श्री राम की चारु चिंतामणि है, उर करते न खसे हो, मैंने उनको पा लिया है और अपने उर यानी हृदय से अब उनको मैं हटने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, श्याम रूप श्री राम के जो रूप के बारे में बताया है कि श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, जो श्री राम के श्यामले शरीर को या श्यामले रूप को मैंने अपने मन में और यानी अपने हृदय में मैंने बसा लिया है और अपने इस चित्त यानी अपने इस हृदय से अब उनकी भक्ति को हटने नहीं दूंगा। कंचन ही कसे हो, और उस भक्ति को करके मैं देखूंगा या फिर ये कहूंगा परखूंगा, अपने मन को परखूंगा कि मैंने अपने हृदय में श्री राम की भक्ति को कितना पा लिया है। परवस जान्यो हस्यो इन इंद्रिया, निज बस है ना हसे हो, अब तक तो मैंने श्री राम की भक्ति नहीं करी तो जो हमारी जो इंद्रियां होती हैं तो उन इंद्रियों के हंसने के ऊपर कहा गया है कि अब तक मैंने श्री राम की भक्ति नहीं करी तो ये जो मेरी इंद्रियां हैं वो मुझ पर हंसती थी, लेकिन अब मैंने श्री राम को पा लिया है, उनकी भक्ति को पा लिया है, तो अब मैं इन इंद्रियों को हंसने का अवसर नहीं दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पल पद कमल बसे हो, अब अपने मन रूपी भौरे को मैंने श्री राम के चरण कमलों में बसा लिया है, उनके मतलब पैरों में मैंने अपनी भक्ति अपना सारी भक्ति को पा लिया है और उनके चरण कमलों में बसने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और अब इसको मैं मन रूपी भौरे को यहाँ से हटने नहीं दूंगा।
तो इन पंक्तियों में उन्होंने दोनों ही पदों में श्री राम की भक्ति के बारे में बताया। पहले उनकी भक्ति के करने के लिए बताया, फिर उन्होंने ये बताया है सेकंड वाले में कि उन्होंने जो अब तक का समय नष्ट कर दिया है, लेकिन अब उन्होंने जब भक्ति पाली है तो अब इस समय को वो नष्ट नहीं होने देंगे। मैंने अब आपको ये दोनों पद विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या कर दी है। सबसे पहले आप शब्दार्थ याद करेंगे। शब्दार्थ याद करने से आपको जो मैंने व्याख्या कराई है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी तो उनको आप फेयर कॉपी में बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। जब मिलेंगे तब हम उनको करेक्ट करेंगे, ठीक है।